तो हमें आज कुछ दी गई हुई हैं, लैंग्वेज दी गई है मुझे, ठीक है। तो जो लैंग्वेज दी गई है L1 एंड L2, तो हमें उसका क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमम डी एफ ओवर ए, एक सिंगल अल्फाबेट ए दिया गया है, ठीक है। तो जो सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा इक्वल टू ए, ठीक है, यहाँ बी नहीं दिया गया, सिंगल अल्फाबेट ए दिया गया है। अब मुझे क्या करना है कि डी एफ ए बनाना है, बट कंडीशन ये है जो L1 लैंग्वेज है दिया गया है कि ए की पावर एन सच दैट एन, एन की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, एन की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, बट एन की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन लगी। जो दूसरी लैंग्वेज दी गई है इसका भी डी एफ ए बनाना है मुझे, ठीक है। तो ए की पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एन इज नॉट इक्वल टू 2 और एन इज नॉट इक्वल टू 4, यहाँ पर 2 है, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए डी एफ ए, और जो L1 लैंग्वेज है उसमें ये नहीं करना चाहिए, और जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, बट इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका किस तरह से डी एफ ए बनेगा, जैसे L1 लैंग्वेज का डी एफ ए बनाऊँ, इसका L1 लैंग्वेज, अब मैं क्या करूँगा कि एन, एन हमारी क्या है पावर, तो एन की वैल्यू रखेंगे जीरो और जीरो से हम इंक्रीज करते रहेंगे, तो जीरो रखेंगे, ए की पावर जीरो यानी कि नल आ जाएगा। अब एन की जो वैल्यू है हम 1 रखेंगे तो ए की पावर 1 यानी कि ए आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि ए, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, बट एन की वैल्यू जैसे 3 रखेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, बट यहाँ ये कह रहा है कि एन की जो वैल्यू है वो 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 3a को नहीं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। इसके बाद एन की वैल्यू कुछ भी हो, जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग सब एक्सेप्ट करेगा, सिंगल अल्फ़ाबेट क्या दिएगा ए पर, बट ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इसने मेंशन कर दिया है कि एन इज़ नॉट इक्वल टू 3, नहीं होना चाहिए, तो मैंने 2a ले लिया, 3a नहीं लूँगा बिकॉज ऑफ ये हमें दिया गया। इसके बाद 4a, इसके बाद 5a, ये सब कुछ एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, बट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका डी एफ ए सिंपल है, एक स्टार्ट स्टेट बनाएंगे, ठीक है, इनिशियल स्टेट, अब बिकॉज ऑफ नल, नल को क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट को क्या करते हैं फाइनल, नल हमारा एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद ए को एक्सेप्ट कराओ, तो ए भी हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, तो ए कब एक्सेप्ट होगा, जब हमारे ये फाइनल स्टेट पहुँचेगा, तो 2a को एक्सेप्ट कराई, तो बन ए ये है हमारा 2a, ए सी इसको भी एक्सेप्ट करा दिया मैंने, 2a हो गया, बट अगर 3a आता है तो मुझे उसको क्या है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे ही मेरा 3a आया तो मैं इसको क्या करूँगा, फाइनल नहीं करूँगा, ठीक है, तो फाइनल नहीं करूँगा, इसका मतलब क्या है, अगर 3a आता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, जैसे ही 3a, जैसे ये 4a आया 3a के बाद 4, तो ये इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो 4a के बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, जितनी भी स्ट्रिंग है सबको एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है। कंडीशन ये थी कि एन की जो वैल्यू है 3, यानी कि 3a को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसके बाद तो हम 3a को यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसके बाद चाहे 4, 5, 6, 7, इसके बाद कितना भी ए आए ये सब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा ये डी एफ ए, ठीक है, बट 3a को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, 1a, 2a, 3a को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 1 को कर रहा है, 2 को एक्सेप्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ फाइनल स्टेप पहुंच रहा है, 3a को नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ नॉन फाइनल, 4 को कर रहा है बिकॉज ऑफ फाइनल, ठीक है, ये इसका हो गया L1 का डी एफ ए, ठीक। अब मैं बनाऊँगा L2 का डी एफ ए किस तरह से बनता है, ठीक है, तो L2 के लिए जो लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए, अब L2 जो हमारी ये लैंग्वेज है, अगर n की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ए की पावर 0 यानी कि नल, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए की पावर 1 यानी कि a आ जाएगा, n की वैल्यू 2, बट यहाँ ये कह रहा है कि n की जो
एन की जो वैल्यू है वो टू नहीं हम लेंगे, ठीक है। यहाँ बता रहा है कि एन की वैल्यू टू के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर निगलेक्ट कर रहे हैं, इसको नहीं लेंगे। इसके बाद एन की वैल्यू क्या रखेंगे, थ्री। तो ए ए ए, ठीक है, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब ए यानी कि थ्री टाइम्स ए, ठीक है। इसके बाद थ्री रखने के बाद क्या करेंगे, एन की वैल्यू को चार। बट यहाँ ये कह रहा है कि एन की वैल्यू चार भी नहीं लेंगे, ना तो हम टू लेंगे ना हम चार लेंगे। यहाँ पर टू कंडीशन दिए गए, ये हर एक स्ट्रिंग उन अल्फाबेट ए पे एक्सेप्ट करेगा हर एक, बट ये जो दिया गया एन की जो वैल्यू टू और फोर पर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जितनी भी स्ट्रिंग्स पॉसिबल होंगी वो एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रिंग ऐसी होगी जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी वो यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम फोर को नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज अब यहाँ दिया गया कि एन की वैल्यू चार के बराबर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एन की वैल्यू टू के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एन की वैल्यू हम कितनी लेंगे, फाइव। चार नहीं लेंगे, पाँच लेंगे। तो पाँच यानी कि जैसे यहाँ रखें तो ए फाइव हो जाएगा ना, ए की पावर फाइव। तो ए की पावर फाइव का मतलब ए ए ए फाइव टाइम्स, ठीक है। इसके बाद कोई कंडीशन नहीं दी गई, इसका मतलब क्या है, इसके बाद चाहे कितना भी है एक्सेप्ट करता रहेगा, ठीक है। सिक्स डॉट 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 ये सबको एक्सेप्ट करेगा, ठीक। अब मुझे इसका डी एफ बनाना है। अब ये हमारा नल है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट को फाइनल कर देंगे, ठीक। ये हमारा नल एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद ए, तो ए को मुझे एक्सेप्ट करना है, तो क्या करेंगे ए, ठीक है। तो हम बी को फाइनल करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ए एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो हम फाइनल पर पहुंच गए। इसके बाद थ्री ए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन इज इक्वल एन इज नॉट इक्वल टू टू, एन की वैल्यू टू के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ये टू मतलब टू ए को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही सेकेंड ए आया तो मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करूँगा, इसका मतलब ये क्या, इसको नॉन फाइनल रखूँगा, ठीक है। तो हमारा जो टू ए आता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। इसके बाद थ्री ए एक्सेप्ट है हमारा, ये थ्री ए दिए गए, तो थ्री ए जैसे ही थ्री ए आएगा इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट करने के लिए क्या करूँगा, इसको फाइनल कर दूँगा, ठीक है। ये हमारा थ्री एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद क्या है, एन नॉट इक्वल टू फोर, तो फोर नहीं आना चाहिए, अरे कि फोर ए आता है तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर फोर आया तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, यानी कि ई को हम नॉन फाइनल रखेंगे, ठीक है। वन ए, टू ए, थ्री ए, फोर ए नॉन फाइनल है, एक्सेप्ट नहीं हुई, ठीक है। वन ए, टू ए, थ्री ए, थ्री ए एक्सेप्ट है बिकॉज ऑफ फाइनल पर पहुँच रहे हैं हम। वन ए, टू ए, तो टू ए नॉन फाइनल पे आ रहा है, टू ए नॉट एक्सेप्टेड। वन ए एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ फाइनल स्टेट, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन चेक करने के बाद, चाहे इसके बाद चाहे फाइव टाइम्स आए चाहे सिक्स टाइम ए आए, इससे कोई जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स आएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे। जैसे क्या होगा कि फोर के बाद जैसे फाइव ए आया तो एफ जो स्टेज है उसको मैं फाइनल कर दूंगा, और मैं इसको नंबर ऑफ टाइम्स ए को रिपीट करता रहूँगा, ठीक है। ये जो डी एफ ए एल वन का है, ये एल एल टू का डी एफ ए है, ठीक। इस तरह से हम डी एफ ए बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया गया था एन इज नॉट इक्वल टू थ्री, तो हम थ्री ए को मैंने वन ए एक्सेप्टेड, टू ए एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ फाइनल स्टेज, थ्री ए नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ नॉन फाइनल, ठीक है। तो थ्री आएगा ना, इसको एक्सेप्ट नहीं, इसके बाद चाहे कितना भी आए तो मैंने इसको सर्कल लगा दिया, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें दिया गया है कि एन इज नॉट इक्वल टू टू, तो वन ए एक्सेप्टेड, टू ए नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ नॉन फाइनल। इसके बाद एन इज नॉट इक्वल टू फोर, थ्री ए वन ए, टू ए, थ्री ए एक्सेप्टेड, फोर ए नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ नॉन फाइनल स्टेज। जैसे ही फिफ्थ आया एक्सेप्टेड, इसके बाद चाहे सिक्स आए, सेवन, एट, सब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से डी एफ ए बनेगा।